अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मेरा नाम मोइन खान और मैं सभी प्यारी प्यारी माता बहनों का और प्यारे भाइयों का इस चैनल के अंदर बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ सिर्फ आधा गिलास पानी से अपने झूठे पानी से कैसे आप किसी को वश में कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे मेन बात तो आजकल ये हो रही है कि वशीकरण के लोग, जो वशीकरण होता है, वो वशीकरण के पीछे लोग पागल हुए जा रहे हैं। उनको ये भी नहीं देखते कि हमें किसका वशीकरण करना चाहिए और किसका नहीं करना चाहिए। कोई तो सेलिब्रिटी का वशीकरण करने के लिए बोलता है, कोई बड़े बड़े नेता कलाकार का वशीकरण करने के लिए बोलता है। ये भी नहीं सोचते कि मैं किसी चलते फिरते लोगों का वशीकरण कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। सिर्फ लोगों को वशीकरण करने से मतलब है, क्योंकि बताने में इसमें कहीं ना कहीं लोगों से कमी है, गलती हुई है। इस वजह से लोगों के जहन में वशीकरण की जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। पर वशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया का नाम है जिसको करके आप अपने रूठे हुए प्यार को, बिछड़े साथी को, या आपका प्रेमी प्रेमिका आपसे रूठ गया है, या किसी दूसरे इंसान के पास चला गया है, या आप जिससे प्यार करते हो वो आपसे प्यार नहीं करता या करती, या किसी को भी आप अपने वश में कर सकते हो वशीकरण को करके। पर ये नहीं कि आप किसी को भी कर सकते हो। वशीकरण का मतलब होता है एक सच्चे पक्के रिश्ते के लिए, एक जिनके साथ संबंध था हमारा पहले, अब वो खराब हो गया है, उसको संवारने के लिए हम वशीकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं बड़े बड़े कलाकार, सेलिब्रिटी, चलते फिरते लोग, लड़की पसंद आ गई, वशीकरण कर दिया। नहीं हो पाएगा, भूल में बिल्कुल मत रहना, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। वशीकरण केवल उन्हीं पर काम करता है जिनके सच्चे पक्के संबंध एक दूसरे से होते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा, अपने झूठे पानी को उस इंसान को आपको पिलाना है जिसको आप अपने वश में करना चाहते हो। किस तरीके से, देखिए इस पूरी विधि को। आपको करना है आधा गिलास में पानी लेना है, कांच का गिलास लेना है। कांच के गिलास में तीन, आपको एक बार मुंह में पानी लेना है, एक बार फिर इसमें वापसी गिलास के अंदर कुल्ली कर देना है, फिर दूसरी बार आराम से पानी लेना है, फिर कर देना है, फिर तीसरी बार एक घूंट पानी लेना है, फिर कर देना है। इसी तरीके से एक घूंट पानी लेकर तीसरी बार तक इसमें कुल्ली कर देना है और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको जिसको भी आप अपने वश में करना चाहते हैं उसका नाम लेना है आपको 7 बार, कि मैं काजल, जैसे काजल नाम है तो काजल को मैं अपने वश में करना चाहता हूँ। इस तरीके से 7 बार बोल के बोलना है, काजल मनु पूरा बोलना है, वश्यम, फिर उसका नाम जो वशीकरण कर रहा है उसका नाम है गौरव, कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को भी आपको 7 बार पढ़ के फूंक मार देना है, सिर्फ 7 बार। जैसे किसी को वश में करना है उसका नाम है काजल, फिर काजल के बाद वश्यम, फिर आपको अपना नाम लेना है जो वशीकरण कर रहा है, कुरु कुरु स्वाहा। 7 बार फूंक मार देना पढ़ के, और इस इंसान को उस या तो खाने की चीज़ में किसी भी, या फिर पीने की चीज़ में हल्की सी 2 बूंद भी अगर इस पानी की, आपने झूठे पानी की, उस इंसान को पिला दी जिसमें वशीकरण आपको करना है, तो आपके वो पूरी ज़िंदगी के लिए आपके वश में हो जाएगा। कभी ज़िंदगी में भी आपको, आपसे छोड़ कर नहीं जाएगा, दूर नहीं जाएगा, इतना आपका कहना मानेगा। और यदि कोई दूर है किसी से और वो इस उपाय को नहीं कर सकता, तो भी आप इस नंबर पर, दिए हुए नंबर पर इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और अगर आपको कहीं भी कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में इसकी जानकारी आप हमसे पूछ सकते हो, हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मुलाकात होगी अगली नई।